पास कर दिया जाएगा। उन्होंने पहले क्या किया, 55 पे पास रखा और हर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 45% मार्क्स लाजमी करार दिया गया था। लेकिन आगे चलते हुए इस पॉलिसी को नरम करते करते इन्होंने क्या किया कि 55 से 50 पे आए, 50 से 45, फिर 40, लास्ट 40 पे इन्होंने ब्रेक लगाया। और फिर इन्होंने क्या किया कि ऐसा कोई अमल किया जाए कि इनकी इनके जो अपने हैं वो इस जाम में आ जाएं। तो साईं सरदार अली शाह और साईं मुराद अली शाह ने क्या किया कि उन्होंने एक हार्ड एरिया, एक सॉफ्ट एरिया कठरामा बनाकर 35+39 वाले ये हम आईबीए के उम्मीदवार हैं जो 33-39 मार्क्स लेने वाले हैं। उस असातिज़ा भर्ती के लिए 2021 में आईबी ने टेस्ट दिया था। कुछ इलाकों में जो है 33 पे उस्ताद भर्ती किए गए हैं और 39 में हमें फेल किया गया है। हम उनके इलाके वाले और उनके जो अजीज थे, उनके जो रिलेटिव थे, उन लोगों आठ एरिया का ड्रामा बनाकर 33-39 वालों को पास कर दिया। बाकी जिंद को यतीम छोड़ दिया गया। उन्होंने क्या किया कि 33+39 वाले 21,000 आदमियों को असातिज़ा भर्ती करके आज वो तनख्वाहें ले रहे हैं, आज वो सैलरी बकायदा ले रहे हैं और बकाया अतिथि को यतीम बना के, लावारिस बना के छोड़ दिया गया। हमारे मौजूदा फुरान, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा झगड़ा आपके साथ आया है। हम गुजश्ता 2021 में आईबी का टेस्ट दिया था, जिन्होंने 33 पे अपने मन पसंद इलाके वाली कार न दिया और हमको जो 29 पे वो फेल कर दिया। आप हमारे अपने हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम कोई इधर शौक से नहीं आए। हमें 2 साल से जलील किया जा रहा है। ऐसी पॉलिसियां साईं सरदार अली शाह बनाकर, साईं मुराद अली शाह ने बनाई जो अपने इलाके पास कर दिए। बाकी ये जो सिंध का शऊर है उसको छोड़ दिया गया। हमारा यही कहना है कि भाई सिंध एक है तो पॉलिसी भी एक होनी चाहिए। जब सिंध एक है तो पॉलिसी एक होनी चाहिए। आप इस बात को मानते हैं या नहीं, साईं सरदार अली शाह गलत है या हम गलत है? आप अगर हम गलत है कंदा धरती सा प्यारा हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि भाई सिंध एक है तो पॉलिसी एक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि साईं सरदार शाह इलाके वाले पास वो असातिज़ा भर्ती वो सैलरी ले रहे हैं, साईं मुराद अली शाह के इलाके वाले पास वो असातिज़ा भर्ती वो सैलरी ले रहे हैं और जान छोड़ो। आप सबने सुना होगा जान छोड़ो। उन्होंने क्या किया, जान छोड़ो तो हार्ड एरिया करा दे दिया। हमारे ऑनरेबल जस्टिस हाईकोर्ट सर जस्टिस अली अहमद शेख साहब ने, हमारी सीपी चल रही है वहाँ हाईकोर्ट में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में, उन्होंने जब हेयरिंग की तो अपने रिमार्क्स में अकबर लगारी साहब जो एजुकेशन का सेक्रेटरी है उसको बुलाया कि भाई ये हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया की डेफिनेशन बताएं कि ये हार्ड एरिया क्या है, ये सॉफ्ट एरिया क्या है। तो अकबर लगारी साहब के सभी ने घूम रहे थे तो उसने के पास कोई जवाब नहीं दिया। उसने वो कैसे बताते कि आपके इलाके साईं सरदार शाह वाले इलाके जिनका वो एजुकेशन मिनिस्टर है और साईं मुराद अली शाह जो सीएम है उसके इलाके वाले और उनके रूल और उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो अजीज थे, उनके इलाके वाले पास करा दे। तो हमारे ऑनरेबल
चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने ये वादे उनको बताया कि भाई ये जो पॉलिसी आपने बनाई है ये पदनीयती से मुबरी है, आपको जिसकी जरूरत थी, आपको जिनका लचा था उसको पास कर दे दिया, पास कर दिया, बाकी से उनको यतीम और लावारिस बना कर छोड़ दिया गया। तो हम आज यही बात करने आए हैं।